हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है रोलिंग टेक्निक से हम बनाएंगे। उसके लिए हमें एक खाली पेपर चाहिए, कलर्स चाहिए, पोस्टर कलर्स, सम वाटर कलर्स, ब्रशेस और एक पेंसिल, और सबसे जरूरी बात थ्रेड। इसको आप थ्रेड पेंटिंग भी कह सकते हो, बट इन डिफरेंट स्टाइल। पुरानी वाली भी बताऊंगी जो आप मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ कलर लीजिए, उस कलर्स में आपने इस थ्रेड को, यू कैन से यू हैव टू अप्लाई द कलर ऑन दिस थ्रेड। ठीक है जी, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने इस टाइम रेड लिया है। Hold this. Let me apply the color first. देखिए बड़ा स्मूथली इसके ऊपर कलर लग जाएगा, लाइक दिस। इस पूरे थ्रेड को आपने कलर में डिप करना है। ठीक है जी, अच्छी तरह। यस, जो बच्चे यहाँ पे डिप के स्पेलिंग नहीं जानते हैं, माय डॉटर इज सेइंग द द ई पार्ट डिप। सो इसको पेंसिल पे रोल करना है, लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से रोल हो चुका है। अब आपने इसको ऐसे इसके ऊपर रख के प्रेशर लगाते हुए इसको मूव करना है आगे की तरफ, इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन। होल्ड दिस लाइक दिस। देखिए कितना अच्छा पैटर्न आ रहा है। कभी कभी हो जाता है कुछ चीजें करते वक्त एक्सपेरिमेंट थोड़ा गलत हो जाता है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको आगे ऐसे मूव करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से मूव करते हुए जो आपका पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आपको लास्ट दिखेगा। देखिए आप इसको गिफ्ट रैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप इन पैटर्न्स को कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब जो मोस्ट बढ़िया टेक्निक जो मुझे इसमें लगती है, आप इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से पैटर्न अगर आपका खराब लग रहा है आपको, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो थ्रेड में दो कलर्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो थ्रेड में एक कलर लगा सकते हैं। अब जो ये आपके पास चीज़ें हैं, जैसे ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में आप अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। छोटी पेंटिंग देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े से पंछी बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें सर्कल्स बना सकते हैं, लाइक दिस सर्कल्स बना सकते। आप चाहें तो इसमें फ्लावर्स बना सकते हैं, यस फ्लावर्स बना सकते हैं। आप चाहें तो टिक भी बना सकते हैं। हाँ, टिक बना सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक, आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो बना सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। मतलब हाउस नहीं बना सकते, बड़ा होता है ना। मैं आपको एक और दिखाती हूँ इसी पैटर्न में कुछ ड्राइंग। यस, एक और बनी हुई है ड्राइंग हमारी। देखिए इस तरीके का भी पैटर्न अच्छा लगता है। ये भी वही है, बिल्कुल रेड कलर से बना हुआ है। आप चाहे तो ये बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहे तो टू कलर से बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ। इसके बाद आप को नेक्स्ट एक दिखाती हूँ मैं आपको, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अब इस पे हम थ्रेड पेंटिंग करेंगे। उसके लिए आप कोई भी एक पतला सा थ्रेड लीजिए, एक रफ पेपर चाहिए। इस थ्रेड को भी मैं रेड कलर में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस थ्रेड को अच्छी तरह आप कलर्स को अप्लाई कीजिए। अगर आपको ये कलर आपका फेवरेट नहीं है, इट्स नॉट फेवरेट, देन
यू कैन यूज एनी अनदर कलर। उसके बाद अपने थ्रेड को ओपन कीजिए। ये तो पुराना ही है, शायद आपने और भी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा इस तरीके का पैटर्न। इसको कैसे भी रख लीजिए। इसके ऊपर अब आपने एक पेपर रखना है, ठीक है, होल्ड दिस। उसके बाद इसकी एक छोटी सी किनारी से इसको खींचना है प्रेशर लगाते हुए। यू हैव टू पुल दिस आउट। तो हम देखते हैं हमारा पैटर्न कैसा बना है। देखिए इस तरीके का पैटर्न। ये जो टेक्निक है ये मेरी डॉटर को बहुत अच्छी लगती है, बच्चे इसको बहुत अच्छा मानते हैं। ये इस तरीके के पैटर्न आ सकते हैं। आप चाहें तो कोई और कलर से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे कलर से शो करती हूँ इसी चीज़ को। थोड़ा सा थ्रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा थ्रेड तो दिया हमने, इसको भी हमने ग्रीन कलर में अभी कर रहे हैं हम, पिंक। वी हैव टेकन ग्रीन कलर फॉर दिस। नाउ वी विल अप्लाई ग्रीन कलर ऑन माय थ्रेड। इस तरीके से आप अपने थ्रेड को ग्रीन कलर में ले सकते हैं। डुबकी मार देते हैं। जी हाँ, जो आपका सिप सिप नहीं डिप 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 जैसे कि मुझे डिप आता था। इस तरीके से आपका जो थ्रेड है वो आ जाएगा। अब इस थ्रेड को आपने फिर अपने पेपर के ऊपर रखा, एक रफ पेपर लिया, इसके ऊपर प्रेशर लगाते हुए पुल इट आउट, पुल इट आउट। अब देखते हैं हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसा है। सी द पैटर्न। अब देखिए अभी ये हमने बना लिया है, अब हम इसी से ही देखिए फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, मुझे अभी ध्यान में आया है। आप इसी चीज को लेते हुए लाइक दिस यू कैन क्रिएट फ्लावर। इस तरीके से आप लीव्स बना सकते हैं और फ्लावर्स बना सकते हैं, या जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है जी, इस तरीके की भी आर्ट आप कर सकते हैं। उसके अलावा आज का हमारा जो मेन था वो था रोलिंग टेक्निक, और उसके अलावा हमने किया थ्रेड पेंटिंग। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब करके लिए बाय 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 बाय।